जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जिसका नाम है कि सब अच्छा होगा। हमारे मन में कई सारे प्रश्न हमारे भविष्य के लिए उठते हैं। हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं, वो हमारी एक काल्पनिक चिंता है जो वास्तव में होती नहीं है, उसके बारे में हम गढ़ लेते हैं, और वो परेशानियां हमें हमारे एक अच्छे खासे जीवन के लिए तकलीफ दे विषय हो जाते हैं। कई लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ये भी होता है कि छोटी सी घटना को हम इतना हाइपर हो जाते हैं, इतना बड़ा चढ़ा के सोच लेते हैं कि वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देने लग जाती है। तो ये जितनी भी परेशानियां हैं, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, तो उसका एक मूल मंत्र है, वो है कि अपने मन में, दिमाग में इस बात को बिठा लें कि सब कुछ अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। अब सब होगा, जो होगा अच्छा होगा, सोच लेने से भी कुछ नहीं होने वाला। इसका अगला स्टेप ये है कि आपको अपने जो भी काम है, जो मेहनत है, जिस भी विषय पर, जिस भी सब्जेक्ट पर या जिस भी क्षेत्र पर, वो आपको करना है। अपनी मेहनत करें और उसमें एक सकारात्मक रवैया, एक सकारात्मक एटीट्यूड जरूर लाएं कि सब अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये एटीट्यूड आपके पास होगा, तो आपकी कई सारी परेशानियों का हल आपको मिल सकेगा, और कई सारी परेशानियों के साथ साथ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनमें उतर पाएंगे, और चीज़ों के साथ अच्छे से डील आप कर पाएंगे, जो कि आज के युग की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। तो बहुत बेसिक सी जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी है, जिसे आपको समझने की सख्त सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम इस चीज़ों को नहीं समझना, इन चीज़ों को नहीं जानना, और इन सिर्फ सामान्य सी बातों के अभाव की वजह से कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल सकारात्मक रहना है। कई बार कुछ बीमार हम नहीं होते, बस दिमाग में एक बार घड़ लेते हैं कि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वाकई में हमें अस्वस्थ महसूस होने लग जाता है। तो ये जितने भी फोबियाज हैं, जितने भी हमारे अंदर वहम हैं, उन्हें आप दूर करें। और उस वहम को दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय है, अपने आप को बिजी रखें। आप जितना खुद को बिजी रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, सिंपल सी बात थी, लेकिन बहुत बड़ी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। और अब जो भी आपकी राय हो, कमेंट्स में आप खुलकर लिख सकते हैं, और ईश्वर का नाम लिखें, जो भी आपकी बात हो लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।